नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। इसके तहत आप सभी लोगों ने एडमिशन लिया होगा पैरामेडिकल डिप्लोमा में, बहुत सारे जैसे एक्सरे, एलटी, बाकायदा बाकी सारे। उसी तरीके से एनम, जेएनएम, पीएससी नर्सिंग में भी आपने उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले रखा होगा सत्र 2023 और 24 के लिए। तो उसकी अब स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। अब इसी की डिस्क्रिप्शन यानी इसी का डिटेल हम समझेंगे यहाँ पर, और वो वेबसाइट समझेंगे जो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इस डिटेल में दी गई है वो जो है scholarship.up.gov.in है, और इसी में कहा गया है कि जितने भी समस्त नर्सिंग एंड पैरामेडिकल केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन के उपरांत, सत्यापन करना है उनको, बाकी डिटेल देनी है, कितनी डिटेल किस में है, कितने इनरोल्ड हैं बच्चे, उनकी टोटल संख्या को बताना है, तभी ये शैक्षणिक सत्र जो 2023 और 24 के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति का मतलब है जो आपने फीस जमा की है वो वापस भी हो सकती है। तो इसी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर और वहाँ पर डिटेल को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जो वेबसाइट वहाँ पर बताई गई थी। इसे आप टिक कर लीजिए, और इसे अगर आपको इंटरफेस अच्छा नहीं मिल रहा है तो डेस्कटॉप मोड पर लगा लीजिए। फिर यहाँ पर आप देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस पाते हैं, और यहाँ सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हम आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका अकाउंट सीडेड नहीं होगा, तो आपका बैंक खाते से आधार सीडेड नहीं कराया गया होता, तो आप जो है उसे जरूर करा लें, तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें, क्योंकि जब आधार सीडिंग कराएंगे तभी डीबीटी के तरीके से आपके पास आपकी स्कॉलरशिप पहुंच पाएगी। इसलिए क्योंकि आधार बहुत कंपलसरी है, और आधार लिंक्ड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। और इसे कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए यहाँ पर चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस, यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं इस तरीके से चेक कर पा रहे हैं, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप किसी जनसेवा केंद्र यानी ग्राहक सेवा केंद्र या बैंक में जाते हैं, तो आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, वहाँ मशीन पर लगाते हैं, फिर आपको विड्रॉल या बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और सीधा पेमेंट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तब भी आपका अकाउंट सीडेड है, यानी उस तरीके से बाकी इस वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं कि किस लिंक के माध्यम से कहाँ से कैसे जाएंगे, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ क्लास 9-10 इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी भी ज़रूरत नहीं, और इसकी भी आप ज़रूरत नहीं अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यानी इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, और इसकी ज़रूरत नहीं। अब बचता है आपके पास ये, यानी जो लोग एनम, चाहे वो एनम का फॉर्म भरे हों, एनम कोर्स कर रहे हों, या जेएनएम कर रहे हों, या बीएससी नर्सिंग कर रहे हों, या आप जो है कोई भी इस तरीके का पैरामेडिकल का एलटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, इस तरीके का कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक के माध्यम से ही जा सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इस पर्टिकुलर लिंक पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। यहाँ रजिस्टर, देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। रिन्यूअल, अगर आप रिन्यूअल हैं, पहले भर चुके हैं, तो आपको रिन्यूअल में जाना है। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार भर रहे हैं, तो आपको पहले वाले पे से जाना है। अब पहला लिंक जो यहाँ पर दिया गया है वो केवल एससी, एसटी और जनरल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। दूसरा लिंक ओबीसी के लिए दिया गया है, नीचे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए दिया गया है। दोनों में फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये तो वेबसाइट की डिटेल हो गई, यहाँ से आप आगे फिलअप कर सकते हैं। फिलअप कैसे, क्या करना है, उसकी डिटेल जो है, आपने जैसे कक्षा 9 में, 10 में, 11 में या 12 में जिन सब दुकानों से, जिन जनसेवा केंद्रों से आपने फॉर्म को भराया है, उसी तरीके से ये आगे भी प्रोसीड होता है। इसमें कोई भी नया नहीं है, बस आप जानते हैं जितनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके पास ज़रूरत की सामग्री होनी चाहिए थी इस फॉर्म को भरने के लिए, हूबहू वही सेम चीज़ यहाँ पर भी ज़रूरत है। कास्ट, आय और जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपका नया,
और उसके साथ साथ आपको जो है वहाँ का इनरोलमेंट नंबर चाहिए जहाँ पर आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वहाँ का उस कॉलेज का नाम, ये और आधार कार्ड जो बैंक से लिंक्ड हो, और आधार कार्ड अप में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके लिए आप अगर कहीं कुछ छूट रही तो एक या दो बार आप वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में, फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस पर आपको फर्दर वीडियो मिल जाएगा। अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं तो उस पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा। आप जैसे जैसे कमेंट बॉक्स में वीडियोज़ के लिए लिखेंगे वैसे वैसे उस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ लगातार मिलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इन सब चीज़ों से। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब चलते हैं उस पर्टिकुलर आदेश को देखते हैं। अब यहाँ पर आदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो आदेश दिया गया, ये 30 अक्टूबर का आदेश है और ये समस्त प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को दिया गया। इसमें कहा गया कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषय शैक्षणिक सत्र 2023-24 यानी इसी वर्ष में आप सभी लोगों ने एडमिशन ले रखा है। जैसा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आपने अभी पैरामेडिकल डिप्लोमा का लिया है, उसमें पहली काउंसिलिंग का चल रही थी और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं एनम जेनम का, बीएससी नर्सिंग का भी आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ले चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्ड में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि कहा गया है कि जितने भी विद्यालय आपके यहाँ छात्र नामांकित हैं यानी शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए समय सारणी जो वेबसाइट पर अपलोडेड है उसी के अनुसार संपादित की जाएगी, जो हमने आपको वेबसाइट दिखा दी है वहाँ से होगा। क्योंकि वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे जैसे आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में करते थे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। फिर उसके बाद सत्यापन का अगला जो पड़ाव होता है वो उसके बारे में ये आदेश दिया गया है, यानी आप वहाँ पर करिए, उसके बाद आगे जो आपके फॉर्म के साथ होता है उसके बारे में ये संदर्भ में ये आदेश है। ये छात्रों के लिए नहीं है, ये आप इससे क्लियर ये होता है कि आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये फर्दर यहाँ पर सत्यापन आपका हो जाएगा। तो ये सत्यापन का कार्य करने हेतु तो प्रशिक्षण केंद्रों को कार्यालय द्वारा जिस विषय में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रशिक्षण की संबद्धता प्राप्त है केवल उसी विषय में पाठ्यवार पाठ्यक्रमवार जो है कुल सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक और सूचनाएं छात्रवृत्ति की वेबसाइट डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करें। यदि प्रशिक्षण केंद्र अन्य किसी नाम वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो प्रशिक्षण केंद्र को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जिस नाम संबद्धता प्राप्त है एवं वर्तमान में संचालित है इस कार्यालय की वेबसाइट पर दर्ज है उसी के नाम से ही यहाँ पर रजिस्टर कर नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स वार की डाटा अपलोड कर दें, और अन्यथा उन्हें कार्यालय द्वारा डिजिटल लॉक नहीं कराया जाएगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रशिक्षण केंद्र का होगा। तो यहाँ पर उनकी फीस वापसी, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इन सभी के संदर्भ में दिया गया है। तो समाज कल्याण एवं पोर्टल पर डिजिटल लॉक किए गए कोर्स सीट संबंधित विवरण किस छाया पर सत्यापित प्रति देनी है, शैक्षिक सत्रवृत्ति की संबद्धता शुल्क जमा करनी है उन्हें, और छात्रवृत्ति संबंधी कार्य कलापों के प्रयुक्त अधिकारियों का विवरण देना है, अधिकारी का जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, इस तरीके की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करानी हैं। तो ये पूरी डिटेल है, यानी अब आप फॉर्म भर के और बाकी चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।